ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने बैठक की और इस दौरान सख्ती से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। ग्वालियर जिले के अधीन 3 विधानसभा सीटों पर डबरा, ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर विधानसभा सीटों पर आचार संहिता व नियमावली घोषित कर दी गई है। तीनों विधानसभाओं पर करीब 1188 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। वहीं आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है और इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के लिए ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठक की है, जहां कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाने का निर्देश भी दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेटचर होगा, जो नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख होगी वो 19 अक्टूबर 2020। जो मतदान कराया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन्स जो हैं वो हम लोगों ने 300% पे एफएलसी की है, मतलब निर्वाचन के लिए सहायक मतदान केंद्रों को भी ध्यान में रखते हुए हमारे की एपिक कार्ड जो है, जो वोटर आईडी कार्ड है, वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। लेकिन कोई वोटर जो मतदान केंद्र पर आता है वो मतदान से वंचित ना रह जाए, इसके लिए आयोग ने 11 अलग टाइप के दस्तावेजों की सूची दी है जिनको मान्य किया जाएगा। ये ग्वालियर जिले में जो 3 विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें 3 विधानसभाओं में कुल 1188 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 314 को अभी क्रिटिकल मतदान केंद्रों के रूप में चिन्हित किया गया है और बाकी जो हैं सामान्य मतदान केंद्रों के रूप में बनाए गए हैं। जो फोर्स का हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा, इसका पुलिस मुख्यालय से एक पूरी गाइडलाइन आई है जिसके मुताबिक हम फोर्स को लगाएंगे, जिसमें हमारे पास जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल या जिसको हम CAPF कहते हैं, इसकी हमने मांग की है, और इसके अलावा जो विशेष पुलिस अधिकारी रहते हैं इसकी मांग की है, बाकी जो जिला बल लगता है वो हमारे जिले में पर्याप्त है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज ISET यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।